Very good morning, student. In the last lecture, we were seen some contents of syllabus and some concepts about the syllabus. Now we are going to see the first unit and the first topic, that is data and data processing. What is the data? The data, the term data has a Latin origin as the plural form of the datum. डेटम लैटिन ओरिजिन में जो डेटम वर्ड है उसका प्लूरल फॉर्म है डेटा. ये जो डेटम है इसका मीनिंग होता है फैक्ट्स. सो हेंस इज जनरल टर्म्स ऑफ डेटा इज गैदर्ड बॉडी ऑफ फैक्ट्स. तो इसका मतलब ये है कि जो डेटा है ये क्या है, तो ये गैदर्ड बॉडी ऑफ फैक्ट्स. जो बॉडी ऑफ फैक्ट्स है, जो दो चार पाँच या फिर दस फैक्ट्स की एक जो एक गैदर्ड बॉडी बनेगी उसको हम डेटा बोलेंगे. जैसे कि आपको मैं पढ़ा रहा हूँ, तो पहले यूनिट में मैंने डेटा पढ़ाया, डेटा की कंसेप्ट पढ़ाऊंगा, फिर यूज़ पढ़ाऊंगा, फिर कंप्यूटिंग पढ़ाऊंगा. सो दिस ऑल थिंग्स इज अ फैक्ट्स एंड गैदर्ड इन वन लेक्चर इज कॉल्ड डेटा. अभी ये जो चार पांच फैक्ट्स मैं आपको पढ़ाऊंगा, ये गैदर्ड किया है मैंने एक लेक्चर में, और ये लेक्चर आपके लिए क्या है, तो आपके लिए डेटा है. हम डेटा को रॉ मटेरियल भी बोल सकते हैं, रॉ फैक्ट्स भी बोल सकते हैं. क्यों? क्योंकि जो मैं आपको पढ़ाऊंगा, ये जो डेटा मैं आपको दे रहा हूँ, ये डेटा फाइनल है क्या? नहीं, आपको इस पर प्रोसेस करनी है. आप जो इस पर प्रोसेस करेंगे, आपको इस पढ़ना है, पढ़ेंगे, फिर आपको एग्ज़ाम में इसके ऊपर क्वेश्चन आएगा, फिर आप वहाँ पे लिखेंगे और फिर आप मार्क्स लेंगे. तो वॉट इट मीन्स? इट मीन्स द डेटा इज़ द रॉ फैक्ट्स ओनली. रॉ मीन्स वॉट? रॉ मीन्स कच्चा. ये जो कच्ची चीज़ें हैं आप ले रहे हैं, इसको आप प्रोसेस करेंगे, आप समझ के लेंगे और फिर पेपर में लिखेंगे. जो आप पेपर में लिखेंगे वो है इन्फॉर्मेशन. आपने इस डेटा को प्रोसेस करके आप जो पेपर में लिखने जा रहे हो, जो आप लिखेंगे, एक्चुअली जो लिखेंगे ये डेटा के अगेंस्ट, दैट इज इन्फॉर्मेशन. वो आपकी इन्फॉर्मेशन होंगी. सो व्हाट इट मीन्स? इट मीन्स द डेटा इज नथिंग बट इट इज़ द रॉ फैक्ट्स, रॉ बॉडी ऑफ फैक्ट्स. जो कच्ची है, जहाँ पे बॉडी ऑफ फैक्ट्स है, बहुत सारे फैक्ट्स है. सो दिस इज द डेटा एंड दिस डेटा कंसेप्ट इनहेरिटेड फ्रॉम द प्लूरल वर्ब दैट इज डेटम. डेटम एक लैटिन वर्ड है जिससे डेटा वर्ड इनहेरिट किया है. डेटा कैन नॉट सॉल्व एनी मैटर और क्वेरी. डेटा कोई मैटर क्वेरी सॉल्व नहीं करता है. क्यों? क्योंकि ये बॉडी ऑफ फैक्ट्स है. लेकिन ये बॉडी ऑफ फैक्ट्स को हम अगर प्रोसेस करेंगे, प्रोसेस करने के बाद में जो इन्फॉर्मेशन बनेगी वो मैटर या फिर प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता है. मैंने आपको बताया कि अगर मैं आपको पढ़ा रहा हूँ जो एज अ डेटा, आपने उसको पढ़ लिया एज अ डेटा, पेपर में लिखा एज ए इन्फॉर्मेशन, अब उसको मार्क्स मिलेंगे, तो अब उससे आप कंक्लूजन निकाल सकते हैं, मार्क्स ले सकते हैं, प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं, दैट इज़ इन्फॉर्मेशन. बट डेटा कैन नॉट, डेटा ऐसे नहीं अलाउ करेगा. आपको डेटा को प्रोसेस करनी पड़ेगी, इसलिए इट इज़ द रॉ बॉडी ऑफ फैक्ट्स. इसलिए मैंने इसको बोला कि डेटा क्या होता है? रॉ होता है, कच्चा होता है, बॉडी ऑफ फैक्ट्स है. बहुत सारे फैक्ट्स की जो बॉडी है, जो कच्ची है, उसको हम डेटा बोलेंगे. नाउ यूज़ ऑफ डेटा इन कंप्यूटिंग. कंप्यूटिंग में डेटा का यूज़ क्या है? तो डेटा का बहुत ही बड़ा रोल है कंप्यूटिंग में. अगर आपकी कंपनी है, तो कंपनी में आपका डेटा क्या है? तो बहुत सारे आपकी तरफ एम्प्लॉयज़ है, उन एम्प्लॉयज़ की सैलरी है, कंपनी की एडवर्टाइजमेंट है, कंपनी का एचआर है, कंपनी की मार्केटिंग है, कंपनी के प्रोडक्ट इन्फॉर्मेशन है. सो दीज ऑल थिंग्स इज कैटेगराइज इन टू द डेटा. In modern time, data is being used extensively. The data is raw material which is always scattered, from which one cannot easily get कोई conclusion. जहाँ से हम कोई conclusion नहीं ले सकते. But hence, for drawing a proper conclusion, it is necessary to arrange this information, and that is data systematically. इस data को हम अगर process करेंगे, इसको systematic करेंगे, तो फिर ये information बन जाएंगी, जिससे हम क्या कर सकते हैं, जिससे हम decision ले सकते हैं. तो यूज़ ऑफ डेटा इन कंप्यूटिंग क्या है? तो कंप्यूटिंग में डेटा का अनन्य साधारण महत्व है. अगर कंप्यूटिंग में डेटा नहीं है तो हम डिसीजन नहीं ले सकते.
हम किसी कंक्लूजन पे नहीं जा सकते. सो अ वेरी वाइटल रोल ऑफ डेटा इन कंप्यूटिंग. डेटा इज डिफाइंड एज अ रॉ फैक्ट्स दैट नीड टू प्रोसेस्ड, बट आफ्टर प्रोसेस्ड इट बीइंग एन इंफॉर्मेशन. प्रोसेस करने के बाद में इंफॉर्मेशन बन जाएगा. व्हेन इट इज इंफॉर्मेशन इज डिफाइंड एज प्रोसेस स्ट्रक्चर एंड मीनिंगफुल डेटा. जब ये इंफॉर्मेशन बन जाएगा तब इसको हम डिफाइन करेंगे कि ये प्रोसेस्ड है, स्ट्रक्चर्ड है और ये मीनिंगफुल डेटा है. अ कंप्यूटर इज सेड टू बी रीड इनकमिंग डेटा दैट इज कॉल्ड इनपुट एंड प्रोड्यूस आउटगोइंग इंफॉर्मेशन दैट इज कॉल्ड आउटपुट. हम जब भी कंप्यूटर के बारे में सोचेंगे तो डेटा क्या है, तो कंप्यूटर के लिए इनपुट है और जो हम कंप्यूटर में से आउटपुट लेंगे जो कंप्यूटर के लिए, जो हमारे लिए इन्फॉर्मेशन है, जो कंप्यूटर के लिए इन्फॉर्मेशन है या फिर आउटपुट है. सो यूज़ ऑफ डेटा इन कंप्यूटिंग. विदाउट डेटा वी कैन नॉट कंप्यूट. हम डेटा के सिवा कुछ नहीं कर सकते. इट्स प्ले अ वेरी वाइटल रोल. जैसे कि हम गेहूँ लेके गए तो हमें वहाँ से आटा मिलेगा. हम खाली डब्बा लेके गए और वो मशीन में डाल दिए, खाली डब्बा डाल दिए तो वहाँ से कुछ नहीं निकलेगा. तो यूज़ ऑफ डेटा इन कंप्यूटिंग का क्या है? द यूज़ ऑफ डेटा इन कंप्यूटिंग, द डेटा इज प्ले अ वेरी वाइटल रोल. विदाउट डेटा वी कैन नॉट कंप्यूट. रिगार्डिंग टू द इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी, द डेटा प्ले अ वेरी वाइटल रोल. वेयर द डेटा इन द कंप्यूटर दैट टेक्स एज अ इनपुट एंड गिव्स एज अ आउटपुट कॉल्ड इंफॉर्मेशन. अ वेरी इंपॉर्टेंट एंटिटी एंड दैट इज डेटा विच इज प्ले अ वाइटल रोल इन कंप्यूटिंग. नाउ द डेटा प्रोसेसिंग. अब मैंने बताया आपको कि भाई डेटा क्या है, फिर यूजेज ऑफ डेटा इन कंप्यूटिंग में, कंप्यूटिंग में डेटा का यूज़ क्या है, तो बहुत बड़ा रोल प्ले करता है. अगर डेटा है तो ठीक है, डेटा नहीं है तो कुछ भी नहीं है. तो कंप्यूटिंग में डेटा का अनन्य साधारण महत्व है. जो हम कंप्यूटर को दे सकते हैं, कंप्यूटर उससे आउटपुट बनाता है. नाउ हम देखेंगे कि डेटा प्रोसेसिंग क्या है, डेटा क्या है, डेटा कंप्यूटिंग क्या है. नाउ द डेटा प्रोसेसिंग. डेटा प्रोसेसिंग इज व्हाट इट इज़ द प्रोसीजर. डेटा प्रोसेसिंग क्या है? एक प्रोसीजर है जिसमें हम क्या करेंगे कि जो रॉ फैक्ट्स है, जो रॉ बॉडी ऑफ फैक्ट्स है, वो हम प्रोसेसिंग के लिए देंगे. प्रोसेसिंग के लिए देने के बाद में क्या होगा, उस पर प्रोसेस होगा. मैंने आपको बताया कि भाई आप अगर गेहूँ लेके ही नहीं गए तो आपको आटा कहाँ से मिलेगा. तो जो गेहूँ है वो हमारा डेटा है. कंप्यूटिंग में डेटा का क्या महत्व है? तो हम गेहूँ नहीं लेके जाते हैं तो आटा कैसे लाएंगे. तो ये महत्व है डेटा का. इज देयर डेटा, देयर इज इंफॉर्मेशन. बट इज देयर नो डेटा, वेयर देयर इज इंफॉर्मेशन, वहाँ से इंफॉर्मेशन कहाँ से आएंगी फिर. तो डेटा का एक बड़ा रोल है कंप्यूटिंग में. अभी डेटा प्रोसेसिंग क्या है? तो प्रोसेसिंग के लिए डेटा चाहिए जहाँ पे प्रक्रिया हो सकती है. जहाँ पे डेटा नहीं है वहाँ पे क्या प्रक्रिया होगी? तो डेटा प्रोसेसिंग क्या है फिर? तो डेटा प्रोसेसिंग ये है कि हमने कंप्यूटर का एक्सेल ओपन करा है, एक्सेल में 10 लोगों का डेटा डाला है कि भाई नाम एक एक्स वाई जेड, नाम दो ए बी सी, नाम तीन पी क्यू आर, और उनकी सैलरी ये है कि भाई ये इनकी सैलरी 5,000 है, इनकी 10,000 है, इनकी 45,000 है, 45,000 रुपये है. तो ये जो डेटा कंप्यूटर को हम दे रहे हैं उसके बाद में हम क्या कर रहे हैं कि चलो भाई इसकी 5,000 सैलरी एक महीने की है तो 12 महीने की कितनी है, तो इसकी 60,000 12 महीने की. दिस इज द प्रोसेसिंग. कंप्यूटर में जब हम डेटा दे रहे हैं उस पर कुछ प्रक्रिया कर रहे हैं, दिस इज कॉल्ड अ डेटा प्रोसेसिंग. दिस इज वेरी सिंपल कंसेप्ट. डेटा प्रोसेसिंग इन व्हाट इट इज द प्रोसेस ओवर द डेटा गिवन बाय द यूजर. यूजर ने जो भी डेटा कंप्यूटर को दिया है उस पर कंप्यूटर जो भी प्रोसेस कर रहा है उसको डेटा प्रोसेसिंग बोलेंगे. इजी कंसेप्ट है. अभी डेटा प्रोसेसिंग में जो है तीन कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है. एक है इनपुट. आप कंप्यूटर पे बैठते हैं, कंप्यूटर कुछ भी डेटा प्रोवाइड करते हैं तो ये है इनपुट. आप कंप्यूटर को इनपुट दे रहे हैं, कंप्यूटर क्या करेगा उस पर प्रोसेसिंग करेगा, और प्रोसेसिंग होने के बाद में आपको एक आउटपुट देगा. सो थ्री कंसेप्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट इन डेटा प्रोसेसिंग, दैट इज इनपुट, प्रोसेसिंग, आउटपुट. विदाउट दिस थ्री कंसेप्ट द कंसेप्ट ऑफ कंप्यूटर रादर एनी डिवाइस इन द वर्ल्ड इज इनकम्प्लीट. आप सोच के देखो कि दुनिया का कोई भी डिवाइस है, कोई भी मशीन है,
उसकी जो कंसेप्ट है ये तीन एंटिटी से पूरी नहीं होगी। मैंने आपको बताया था कि आपने टीवी का बटन शुरू करा है लेकिन टीवी नहीं है, तो आप क्या देखेंगे? नंबर एक, आपके पास टीवी है, टीवी का बटन आपने शुरू करा, टीवी शुरू हो गई, लेकिन आपके पास एंटीना या फिर डिश कनेक्शन नहीं है तो भी आप नहीं देख सकेंगे। तो टीवी शुरू हो जाएगा और उस पर वो जो है वो ब्लर करता रहेगा, वो जो पॉइंट्स है वो ब्लर करता रहेगा। हम उसको हमारे गांव में मुंग्या बोलते हैं, मुंग्या दिखेगा आपको स्क्रीन पे। तो व्हाट इट मींस, इट मींस कि आपने उसको इनपुट दिया है लेकिन वो प्रोसेस नहीं करा। क्यों? क्योंकि वहाँ पे डेटा नहीं है। तो आपको जो डेटा है वो प्रॉपर इनपुट करना पड़ेगा, फिर जो डेटा इनपुट करने के बाद में उस पर प्रोसेसिंग होगा, और प्रोसेस होने के बाद में उसमें अगर डेटा भी है, आपने डेटा दिया है कि भाई आपने डिसकनेक्शन दिया है, आपने एंटेना लगाया है, तो इमिडिएटली आपको उस पर कुछ चैनल्स दिखाई पड़ेंगे। दैट इज़ द इंफॉर्मेशन, दैट इज़ द आउटपुट। सो कोई भी मशीन के लिए इनपुट, प्रोसेसिंग, आउटपुट, इट प्ले अ वेरी वाइटल रोल। ये थ्री एंटिटीज बहुत इंपॉर्टेंट है, इनपुट, प्रोसेसिंग, आउटपुट। नाउ डेटा प्रोसेसिंग की कुछ डेफिनेशंस भी है, जैसे कि हैंडलिंग ऑफ डेटा मीन्स डेटा प्रोसेसिंग, डेटा को हैंडलिंग करना मीन्स डेटा प्रोसेसिंग है। क्या? तो भाई आपने कंप्यूटर को कोई टर्म्स दिया है कि भाई ये कैलकुलेशन चाहिए, सो दिस कैलकुलेशन इज कॉल्ड डेटा हैंडलिंग। ऑल्सो डेटा प्रोसेसिंग इज द प्रोसेस इन विच द क्लासिफिकेशन ऑफ द डेटा, एनालिसिस ऑफ द डेटा, डेटा एंट्री, रिट्रायल ऑफ डेटा, फॉरवर्ड डेटा फॉर प्रोसेसिंग ऑफ रिक्वेस्ट, अ रिपोर्ट फॉर द डेटा फंक्शंस आर इंक्लूडेड इन इट। इन द ऑन द अदर हैंड डेटा प्रोसेसिंग इज वॉट इट इज द कैटेगराइजिंग द डेटा, स्टोरिंग द डेटा एंड मेकिंग द डेटा इन टू द इंफॉर्मेशन। उसको डेटा को कैटेगराइज करना है, स्टोर करना है, उसको प्रोसेस करके इन्फॉर्मेशन में कन्वर्ट करना है, इसको हम बोलेंगे डेटा प्रोसेसिंग। बहुत इजी एग्जांपल आपको दे तो ये हो जाएगा कि डेटा प्रोसेसिंग इज व्हाट, आपने आप घर पे बैठ गए, मोबाइल शुरू किया और यूट्यूब पे मेरा वीडियो लेक्चर आप देख रहे हैं, तो जो भी लेक्चर आप सुन रहे हैं वो डेटा है, आपने आप उस पर प्रोसेस कर रहे हैं, आप उसको सुन रहे हैं, और सुनने के बाद में आप उसको इन्फॉर्मेशन में कन्वर्ट कर लेंगे कि आपको क्या समझ में आ गया। सर हमको डेटा समझ में आ गया, जो रॉ फैक्ट्स है, रॉ बॉडी ऑफ फैक्ट्स है, जो डेटम ये वर्ड लैटिन वर्ड से लिया गया है जिसका अर्थ है फैक्ट्स, फिर उसका डेटा कंप्यूटिंग में एक बहुत ज़्यादा रोल है, बहुत ज़्यादा यूज़ है, क्योंकि अगर कंप्यूटिंग में डेटा नहीं है तो कंप्यूटिंग ही नहीं हो सकता। और फिर डेटा प्रोसेसिंग क्या है, तो जब हम उस पर प्रोसेस करेंगे उसको हम डेटा प्रोसेसिंग बोलेंगे। ये आपको समझ में आ गया? So this is the three, that is input, process, output, and this is the definition of data processing. We can take the data, we can process over the data and making the data into the information. एक और छोटी सी definition है data processing की, storing or processing data by a computer is data processing. उसको store करना है, process करना है computer में, इसको भी हम data process बोलेंगे। Processing is what? It is, अगर हिंदी में बोला जाए तो एक प्रक्रिया है जो डेटा को हम इन्फॉर्मेशन में कन्वर्ट कर रहे हैं, इस प्रक्रिया को हम डेटा प्रोसेसिंग बोलेंगे। इससे ज़्यादा डेटा प्रोसेसिंग की कंसेप्ट नहीं है, बस ये छोटी सी कंसेप्ट है। एडवांटेज क्या है डेटा प्रोसेसिंग की, तो आपको समझ में आ जाएगा कि डेटा प्रोसेसिंग के एडवांटेज ये है कि ये टू प्रोवाइड अ वैरायटी ऑफ इन्फॉर्मेशन। हाँ, वैरायटी ऑफ इन्फॉर्मेशन, हमने कंप्यूटर में एक डेटाबेस सेव करा है तो हम उसके पूरी सैलरी साल की निकाल सकते हैं, उनको अल्फाबेटिकल लगा सकते हैं, उनको कट कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। तो व्हाट इज दिस, दिस इज द वैरायटी ऑफ इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग टू द डेटा। हम प्रोसेसिंग करने के बाद में उसको वैरायटी में देख सकते हैं, वैरायटी में उसको ले सकते हैं, दिस इज द एडवांटेज ऑफ डेटा प्रोसेसिंग। जैसे कि मैंने और एक सिंपल एग्जाम्पल देना चाहूँगा कि आपने चावल गेहूँ लेके गए, उसका आटा लाया आपने, तो आटा से आप क्या बना सकते हैं, उस आटा से आप पूरियाँ भी बना सकते हैं, आप रोटी भी बना सकते हैं, और दूसरा कोई प्रकार होगा वो भी आप बना सकते हैं। सो व्हाट इज दिस, दिस इज द वैरायटी ऑफ इंफॉर्मेशन। आप जो
प्रोसेस करी थी उसके बाद में आप इसको वैरायटी में ले सकते हैं, दिस इज द एडवांटेज। देन डिस्ट्रीब्यूशन, डेटा का डिस्ट्रीब्यूशन का मैंने बोला है आपको कि आपने एक डेटा लेके एक डेटाबेस बनाया है एक्सेल में कि नेम ऑफ द एम्प्लॉइज, सैलरी ऑफ द एम्प्लॉइज, या फिर नेम ऑफ द स्टूडेंट, क्लास ऑफ द स्टूडेंट, यूनिवर्सिटी ऑफ द स्टूडेंट, परसेंटेज ऑफ द स्टूडेंट। अब देखो मुझे सिर्फ परसेंटेज और नेम देखना है लोगों के, तो वो देख सकता हूँ मैं। सो वॉट इज दिस, दिस इज द डेटा डिस्ट्रीब्यूशन। आई कैन गेट द डेटा एज पर माई रिक्वायरमेंट, मैं मेरा रिक्वायरमेंट जो है उसको उस हिसाब से देख सकता हूँ, दैट इज द एडवांटेज ऑफ डेटा प्रोसेसिंग। रिमूविंग द ऑब्जेक्शनेबल पोर्शन ऑफ डेटा, डेफिनेटली अगर मुझे कुछ डेटा की ज़रूरत नहीं है या फिर कुछ डेटा उसमें ऑब्जेक्शनेबल है तो मैं निकाल दूंगा। अब अगर कोई बच्चा है जी, मैंने उनके मार्क्स लिख दिए है कि भाई इंग्लिश में 30 मार्क है, मराठी में 10 मार्क्स है, तो ये ऑब्जेक्शनेबल पार्ट है। स्टूडेंट बोल सकते हैं कि सर आप ये शो मत करो ना प्लीज़, हम फेल है तो फेल है, ये आप मत दिखाओ कि भाई 10 मार्क्स है 15 मार्क्स है, दिस इज द ऑब्जेक्शनेबल पार्ट ऑफ दैट डेटा। सो आई कैन रिमूव दैट वेरी इजीली थ्रू दैट डेटाबेस। सो दिस इज ऑल्सो द एडवांटेज ऑफ डेटा प्रोसेसिंग। डेटा प्रोसेसिंग में से क्या कर सकते हैं, जो ऑब्जेक्शनेबल पार्ट है उसको हम रिमूव कर सकते हैं, उस पर हम कंट्रोल कर सकते हैं, कंट्रोल ओवर द साइज ऑफ डेटा, हम उसको छोटा बना सकते हैं। हम देखते हैं कि हमारे कब्बड़ में बहुत सारे बुक्स पड़े हैं, तो हमने क्या किया कि भाई चलो 12वीं तो हम पास हो गए अच्छे मार्क्स से, हमने 90 अबव परसेंटेज, 80 अबव परसेंटेज, 70 अबव परसेंटेज ले लिए हैं। नाउ नो नीड टू मेंटेन द बुक्स, कीप द बुक्स ऑफ 12th, तो हमने उसको रिमूव कर दिए। एंड नाउ वी आर इन द फर्स्ट ईयर, तो फर्स्ट ईयर के बुक वहाँ पे रीलोड कर दिए। सो व्हाट इज दिस, दिस इज द कंट्रोल ओवर द साइज ऑफ डेटा। हमने क्या करा है, हमने उस पर प्रोसेस करी है और प्रोसेसिंग थ्रू हमने उसको ओवरकम करा है, कम करा है, ज़्यादा करा है। हम उसकी साइज को कम कर सकते हैं, ज़्यादा कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू अवर रिक्वायरमेंट। मेंटेन द कंसिस्टेंसी, डेफिनेटली हम डेटा प्रोसेस करके डेटा पे कंसिस्टेंटली प्रोसेस कर रहे हैं तो उससे कंसिस्टेंसी मेंटेन कर सकते हैं। इम्प्रूवमेंट इन ऑथेंटिकिटी, ऑथेंटिकिटी मीन्स व्हाट, उसकी जो रिलायबिलिटी है, उसकी जो उसका जो अच्छी बातें उसी और डेटाबेस की, वो हम प्रूव कर सकते हैं, ऑथेंटिक कर सकते हैं उसको। देन है इंक्रीज द सिक्योरिटी, डेफिनेटली डेटाबेस कंसाइज किया, उसको उस पर प्रोसेसिंग किया तो उसकी सिक्योरिटी बढ़ गई है, प्रोडक्टिविटी बढ़ गई है और लिबर्टी बढ़ गई है। सो दिस इज द एडवांटेज ऑफ डेटा प्रोसेसिंग। नाउ इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल सी द एप्लीकेशंस ऑफ डेटा प्रोसेसिंग। तब तक के लिए हम यहीं पे रुक जाते हैं। थैंक यू सो मच।